महावीर बजरंग बली की। जाल में भगवान छोटे रूप में श्याम सुंदर अधरों में पासवी को लगाए हुए मंद मुस्कान से मुस्कुरा रहे थे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान केवट के वचनों को सुनते हैं और वचन सुनने के बाद में तत्काल कहते हैं कि बेगी आन जल पाया पाखारू आहो तबीलम। आगे बढ़ा रहे हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान के पद को धोता है पखारता है लेकिन अनुराग से पखारता है। अनुराग में प्रेम के आंसू नेत्र से झरने लगे तो पहले तो प्रेम के आंसू से ही ठाकुर के चरण को पखार दिया और बाद में जल से धोया। और भगवान पहा हो गई सफाई है अपने दुपट्टा से। फिर भगवान का पांव पूछा और कहा सफाई हो गई। नौका में सरकार बैठ गए और चरणामृत बांटने लगा अपने मांगने में, इसलिए मांग लीजिए। तो सीता और लक्ष्मण जी ने भी भगवान का चरणामृत लिया। तब भगवान ने कहा भैया आप नाव को आगे बढ़ाओ। का कैसे बढ़ा दू, जो यात्री पहले से खड़े हैं उनको पार करूंगा तब तो आपका नंबर लगाऊंगा। भगवान ने कहा यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कहा हमारे पूर्वज खड़े हैं पितर लोग, पहले हमारे पितरों को आप पार करो, वैकुंठ का रिजर्वेशन कर दो सरकार। भगवान ने कहा यो मस्तु तुम्हारे पितरों को पार किया। कहा अब तो हमारे बाल बच्चों का भी रिजर्वेशन कर दो। भगवान ने कहा उनका भी रिजर्वेशन किया वैकुंठ लोग का। सरकार अब पति पत्नी का भी कर दो। कहा चलो तुम्हारा भी किया दोनों का।